रामनवमी पर बिहार में खूब मचा हाहाकार। इफ्तार पार्टी में बिजी रही नीतीश सरकार। भड़के ओवैसी ने भी किया जबरदस्त वार। सेक्युलर सीएम और फैंसी ड्रेस पर मारा तंज। जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां नीतीश तेजस्वी सरकार इस हिंसा के लिए विपक्ष में बैठी बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ ही ओवैसी के पार्टी AIMIM को भी बीजेपी का एजेंट बताने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार नीतीश तेजस्वी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है। इस बार तो उन्होंने नीतीश तेजस्वी की इफ्तार पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए सेक्युलर सीएम वाला जबरदस्त तंज मारा है। दरअसल 30 मार्च को रामनवमी के दिन बिहार के नालंदा और सासाराम में जमकर उपद्रव मचाया गया था। कई इलाकों से हिंसा और आगजनी की खबरें आई थी, जबकि नालंदा के बिहार शरीफ में तो एक मदरसा ही फूंक दिया गया था, जिसकी तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। नीतीश तेजस्वी के राज में किस कदर हिंसा को अंजाम दिया गया। हिंसा की आग में झुलसे मदरसे की तपिश अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि बिहार की सत्ता संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी का लुत्फ लेते नजर आए। शुक्रवार यानी जुमा के दिन जहां नीतीश सरकार ने इफ्तार की पार्टी दी, तो वहीं शनिवार के दिन नीतीश की पार्टी जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जबकि रविवार के दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मां और लालू यादव की पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी रखी गई, जिसमें सीएम नीतीश के साथ साथ कई कद्दावर नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पठानी सूट में नजर आए, तो वहीं नीतीश कुमार भी शानदार टोपी पहने नजर आए। इफ्तार शुरू से ही हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल इफ्तार देते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि इफ्तार जो है वो पार्टी है। ये गलत फहमी में लोग रहते हैं। हम स्पष्ट करते हैं, इफ्तार जो है, इफ्तार देने का ये मकसद है कि रोजेदार जितने हैं उनके प्रति सम्मान हम प्रकट करते हैं। और ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत है, इबादत है। और गंगा जमुनी संस्कृति की ये पहचान, इसलिए इफ्तार जो है जितने रोजेदार हैं उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं, और ये एक इबादत के तौर पर गंगा जमुनी तहजीब के नाते शुरू से ही ये लगातार हर साल हमारे दल के लोग, हम लोग जो है हर साल हम लोग हम लोग इफ्तार जो है देने का काम करते रहे। सीएम नीतीश और तेजस्वी की इन्हीं तस्वीरों पर अब हैदराबाद से सांसद और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में इफ्तार पार्टी की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेक्युलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। सीएम नीतीश और तेजस्वी की इफ्तार पार्टी पर तंज मारने वाले असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी बिहार सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने AIMIM को बीजेपी का एजेंट बताते हुए तंज मारा था, जिस पर ओवैसी ने भी करारा पलटवार किया था। AIMIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्ही का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए है, अब कितना छपता बोलिए। वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, माने ऐसा कभी इधर कुलाटी मारते कभी उधर। अब जब हम इनसे पूछे कि आप मायना क्यों नहीं किए, आप उस मदरसे को बनाओ, कंपनसेशन दो, मुआवजा दो, पुलिस के अहदेदार के सामने हरकत हुई। सासाराम एक जगह है बिहार में जहां पर औरतों का वीडियो है, देखो आप रो रही हैं, मेरी बच्ची की शादी के लिए जेवर रखे चला गया। कोई हुकूमत कुछ नहीं बोल रही बिहार के, क्यों? क्योंकि वो सेकुलर हैं।
अरे भाई सेक्युलर हो, कम्युनल हो, कुछ हो, बोलो ना। आप नहीं बोलेंगे, और जब हम बोलते तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया हूं, और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का ये टीम हूं। मैं हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती, कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मगर ये लोग कोई नहीं बोलेंगे, ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म की नाम ले लेकर अपने महलात की तामीर करते हैं मुसलमानों के ख्वाबों को चुकना चूर करके। बोलो आज क्यों नहीं बोलते? बिहार हिंसा के मामले में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे ओवैसी ने 3 अप्रैल को भी एक ट्वीट किया था और संघ पर सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि मसला सिर्फ सद्भाव का नहीं है, सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके जान और माल की हिफाजत हो। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, कुरान शरीफ के जले हुए पन्ने हमने देखे, क्या आप या चाचा वहाँ जाएंगे? क्या मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार लेगी या दूसरों का वोट खाने का डर है? एजेंट हो सरकार पर वैसी जिस तरह से कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया हूं। वैसी पर तंज मारते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताने में जुटे हुए हैं। यानी एक तरफ जहां नीतीश तेजस्वी सरकार इफ्तार पार्टी के बहाने मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, तो वहीं ओवैसी भी इनकी इफ्तार पार्टी बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ओवैसी पर भी जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल ही देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में वो मुस्लिम वोट बैंक हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते। वैसे ओवैसी जिस तरह से नीतीश तेजस्वी का सियासी खेल बिगाड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? शासक के लोग अपना काम कर रहे हैं सब से, और जहां भी नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। माइक थोड़ा पीछे करो अनिकेत, अनिकेत माइक पीछे करो थोड़ा सा। सामाजिक सौहार्द को भी कुछ लोग कैसे देखते हैं? सब चीजों को भी देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। ये सब बात हो रही है।